वेलकम दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के बाद हर महिला चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। माँ ये चाहे या ना चाहे, लेकिन परिवार के हर सदस्य के मन में एक सवाल होता है कि उसके घर लड़का होगा या लड़की होगी। भारत में जन्म से पहले बच्चे के लिंग के बारे में बताना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ तरीके और संकेत ऐसे हैं जो बताते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की। पुराने ज़माने में जब दाई माँ डिलीवरी करवाती थी तो वो इन तरीक़ों से बताती थी कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। प्रेग्नेंट होती तो उसे देखकर दाई माँ लोग कहती थी कि अगर इसका स्किन ड्राई है तो ये बेबी बॉय को जन्म देगी, और इसका अगर स्किन ऑयली है तो ये बेबी गर्ल को जन्म देगी। दोस्तों, लड़का होता है तो चेहरा में चमक आ जाता है। दूसरा लक्षण ये भी है कि बाल भी रूखे और कमज़ोर हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपके पैर बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा ठंडे रहने लगे हों तो ये बेटा का संकेत होता है। अगर ठंडे ना हो तो ये बेटी का संकेत होता है। तो जिस महिला को थोड़ी देर के लिए सिर दर्द हो, फिर आराम हो जाए, फिर सिर दर्द शुरू हो जाए, ऐसा होता है तो ये बेटा का संकेत होता है। प्रेगनेंसी में इस तरह से बदलाव और लक्षणों के आधार पर पेट में पल रहे शिशु का पता लगा पाना ये वैज्ञानिक सहमति नहीं देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों कि पेट में पल रहा लड़का है या लड़की है। बस ये दोस्तों कई सुनी बातें हैं जो कि हम आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों, हो या बेटी कुछ भी हो, हमें उन दोनों को समान प्यार अधिकार देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।